If they won, they can stop this say war within 1 week. अंधेरी में हम लोग को खेल करके दबा के रखा है, ये हम लोग का बहुत दिल दुख हो रहा है. All our properties are all looted and they burned down our houses, totally destroyed. जब से ये जर्नी शुरू की थी, ऐसा लगा था कि एक ऐसी स्टोरी होगी जिसको कवर करेंगे तो लगेगा कि शायद इसीलिए जर्नी शुरू की थी. पिछले एक साल से जब भी मणिपुर पड़ता था तो साथ में बर्निंग, हेल्प, ट्रेजेडी, वायलेंस, ये शब्द भी पढ़ने को मिलते थे. कुछ ही दिन पहले एक रेसलर ने मणिपुर के लिए एक बार फिर गुहार लगाई. हर दिन लोग मर रहा है, हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए. मणिपुर जल रहा है. मुझे इस राज्य में जाना था, जाके समझना था कि ऐसा क्या जल रहा है जो बुझ नहीं सकता, ऐसा क्या है जो सरकार देख नहीं रही, ऐसा क्या है जो मीडिया दिखा नहीं रही. इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही साथ मैंने अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त से बात की जो यहां पहले रिपोर्ट कर चुकी थी. उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं किसी रिलीफ कैंप में जाऊं, मणिपुर की असली कहानी वहां मिलेगी. ये है इनर लाइन परमिट. अगर आपको कोई भी मणिपुर, अरुणाचल जैसे स्टेट में जाना हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ऐसे जा नहीं सकते. आप पहले लैंड करोगे तो आपको कोई लोकल कॉन्टैक्ट का नाम बताना पड़ेगा, तब जाके आपके आधार कार्ड वगैरह चेक हो गए, आपकी आइडेंटिटी चेक हो गई, तब आपको एक इनर लाइन परमिट मिलता है. तो अभी हमको एक टूरिस्ट का ILP मिला हुआ है, हम टूरिस्ट बनकर आए हैं. ने अपना ILP और ऑटो पकड़ा जिसने हमें यहां ड्रॉप किया. हाउ मेनी इनमेट्स आर हियर? Now it's only 68. Before when it started, 174 inmates were here. Okay. How many people are there who have lost their homes and are living in uncertainty? All the Maitis of Sursanpur were all in relief camp because their houses are all burnt. Then all the Maitis from Moray, Kampong Pi, and some of these hill areas, Napati and Olo, all these people are staying in relief camp. So we can't tell the exact number. How many people are living in relief camps just in the city of Imphal? There are 40,000 inmates are there in a different relief camps. 40,000 inmates? 40,000. So we are recording this in March. The violence started back in mid-2023. Now it's 2024. I think it's going to be a year soon, right? इम्फाल की सड़कों पर सब नॉर्मल ही था. आम लोग, खुली हुई दुकानें, चलती हुई गाड़ियां. रास्ते में कुछ बिहार के भाई लोग मिले जिन्होंने बताया कि महीनों पहले यहां हालत बहुत खराब थी, सब बंद हो गया था, कोई काम नहीं था, तो ये घर को चल दिए थे. इरोम राजेंद्र सिंह. सर बताएंगे कि अभी क्या अपडेट है? क्या अपडेट जो है, अभी तक हम लोग का फिलहाल कोई संशोधन नहीं है. अच्छा. क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है. अच्छा. और जो इतनी क्लासेस है मैतेई एंड कुकीज, इसमें जितना लैंड एक्विजिशन है अभी तक कोई कंफर्म नहीं है. इसमें कुकी जो मेजोरिटी रहता है सुहासनपुर में, वहाँ में हम लोग एंटर करने नहीं सक रहे. जो वो लोग ने कब्जा किया है, ये तरफ में कांगपोक भी और दक्षिण तरफ में दो जगह है, एक है टेक्नोपोल, एक है सुहासनपुर. दोनों जगह में हम लोग कोई एंटरिंग मैतेई नॉर्मली एंट्रेंस करने नहीं हो पा रहा है.
we get to hear news about Manipur whenever something extreme happens. But a state has been in trouble for a very long period of time. Do you think it is getting the amount of coverage that it deserves? I don't think. 10 महीना कंप्लीट हो गया तो इसमें बहुत बहुत जगह से संपादक और कोई भी मैगजीन का कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर बहुत आ चुके हैं तो सर आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं लेकिन न्यूज़ नहीं पहुंच रही है हम लोगों तक ये क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या अंधेरी में हम लोग को खेल करके दबा के रखा है ये हम लोग का बहुत दिल दुख हो रहा है ये हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में हम लोग का निराश है ये लेके स्पेशली दिस नेशनल चैनल डिड नॉट कम हियर नेशनल न्यूज़ लाइक एबीपी आज तक लाइक द नेशनल न्यूज़ चैनल्स दे डिड नॉट कम नो नॉट कम एंड दैट इज आजकल इज देयर बट दे नेवर कम एंड दैट इज सच अ बिग ट्रेजेडी दैट यू नो नॉट जर्नलिस्ट इट्स सो मेनी पर्सन फ्रॉम दिल्ली यस UP, they are coming and provided some food materials and others. Yes. Just to help this relief camp. Manipur is facing such a big problem, but somewhere down the line, it is not a mainstream news subject. Welcome to the Sunday Bharat Project. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं हेलो हेलो हाय व्हाट्स योर नेम माय नेम इज लियानो आपका क्या नाम है माय नेम इज ओके क्या साइकिल चला रहे हो दोस्तों आप लोग अच्छा कौन से क्लास में हो क्लास फोर में क्लास फोर में यही स्कूल अब कैसे जाते हो वैन में जाते हो वैन में जाते हो चलो बढ़िया बढ़िया खेलो खेलो हेलो भाई But now, Department of Home Science is now your home. Yeah. Can I see? How many people live here? 13 people live here in this room. Okay. Earlier, this used to be a class. Now, 13 people live here. Everyone is having mosquito net, na? So a lot of mosquitoes. Hindi mein. So, ma'am. Hello. क्या देख रहे हो आप लोग? फिल्म देख रहे हैं? आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? 10 महीना ज़्यादा हो गया. 10 महीना से ज़्यादा हो गया. अच्छा. कौन सी पिक्चर देख रहे थे आप लोग सर? अभी मणिपुरी फिल्म आप बॉलीवुड देखते हो हिंदी पिक्चर देखते हो है कौन सी पिक्चर सलमान खान अच्छा सल्लू मियां के फैन हो आप हैं पहले के टाइम पे आप देखते थे अब नहीं देखते पसंद नहीं करता दिमाग चालू नहीं होता है जितनी भी तो अच्छी पिक्चरें बनती हैं आजकल बनते तो बनते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में बैठता नहीं है ये घर का क्या चलाया वो चलाया उसके दिल दुख होता है ना जमीन भी नहीं है कहाँ कहाँ में रहना है पता है काम करने भी नहीं सकता डेली खाना
खा के बेड में बैठ के सोना, उड़ के ब्रश करना, पानी पिएगा, चलते रहते हैं। मणिपुर में रह के भी लफंगा है हम लोग रहने वाला, काम करने भी जाने नहीं देता, जाएगा एक दिन जाएगा, दो महीना बच के रहना है, क्या करेगा, परिवार के साथ में भी रहने नहीं सकता। हेलो, हाय। उन्होंने मुझे यहाँ से भेजा, मैं दिल्ली से हूँ सर। क्या आप समोसा बना रहे हैं? समोसा यहाँ खाया जाता है मणिपुर में? हम लोग को खिलाएंगे? क्या नाम है आपका भाई? सुरेश। हेलो सुरेश, हाय। आप क्या बना रहे हो? चाय। चाय बना रहे हैं। आप चाय बना रहे हो? हाँ। तो मणिपुर में भी नाश्ते में आप लोग चाय समोसा? हाँ। अच्छा, ये तो मुझे नई इन्फॉर्मेशन पता चली। आप लोग का जो गांव है वो कौन सा है? Not yet. There is not yet any update of that going home. Okay. Yeah, and so we don't know when we will be going home. So we are just doing this stuff because we used to do it at home also. We used to have a hotel. You used to have a hotel? Yeah. We used to have a rice hotel. Okay. We call it Chap Hotel at Chorchanpur. But this stuff we are doing for side income only. Okay, so you are selling this? Yeah. In order to buy milk for my daughter, she's okay. Only 1 year old. She's only 1 year old. What is her name? We gave her when she was only 4 months. What is her name, your daughter? Yai Henbi. Means more than the diamond or more than the jewel, like that. Okay. It means. Okay. Here people, when they say their names, no? They say the complete entire name. Yeah, yeah. And they say it very fast. For me, it is very difficult to recognize. Manipuri language is a tonal language. Okay. That's why. Okay. That's why it is difficult to pronounce it. Okay. What is your name? My name is also Ngan Thoi Bi. Ngan Thoi Bi. No. Ngan. I'll spell it. N-G-A-N-G-A. We pronounce it Nga. That's why. Nga. 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 Yes. Ngan Thoi Bi. Okay, my name is Sarthak. Sarthak. You can pronounce my name so easily. Still difficult for me to pronounce. You know, I can call you Didi. Okay. Cha. Hi, hold this. Cha, Hello. Hello. She's seeing this and this for the first time. Yeah. Both unique. Is there any aid from the government that you are getting in monetary terms or in whatever manner? From May up to this month, we get about 3,000. 3,000. Yeah. 3,000 in total. Yes. Yeah, in total. But they provide all the rice and all for eating. Okay. Rice and our daily essential items, all they are providing us. Okay. In this relief camp, we have our common kitchen room. In this kitchen room, government is providing everything. See, our state government providing 115 rupees per day per inmate. This electricity, we need 10,000 rupees for 13 days. Okay. We need lots of firewood. Everything. Mm. And we already expended more than 6 lakhs for the medicine of this inmate. Only 6 lakh rupees just for the medicines? Operation and 4 women gave birth here. Sarada ceremony here. Okay. Death ceremony. Is camp mein kitne log reh rahe? Abhi yahan mein 930.
लगभग 1000 लोग, 1300 पिछला हम लोग गए थे, वो एक कॉलेज में था रिलीफ कैंप, ये भी कॉलेज में है रिलीफ कैंप। तो ज्यादातर रिलीफ कैंप्स हैं ये, क्या कॉलेजेस में बसाए गए हैं, कहाँ है ये रिलीफ कैंप्स इम्फाल में? ये एक बगल में नजदीक में मणिपुर कॉलेज है। अच्छा, ये जो वहाँ जो आर्मी रह रहा है वहाँ है, हाँ वहाँ है, यहाँ है, और ये डांस कॉलेज है इसमें है, ये वांखई वांखई गर्ल हाई स्कूल में है। तो ये कॉलेजेस और हाई स्कूल में सारे रिलीफ कैंप्स हैं? नहीं, वो जगह नहीं है ना, जगह नहीं दे सकता इसीलिए। जब वहां पहुंचे तो समझ आया कि ज्यादातर रिलीफ कैंप्स स्कूल्स और कॉलेजेस में बसाए गए हैं, इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी इतने लोगों को रिलोकेट करना, उनके रहने को कमरे, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, ये कुछ सरकारी संस्थाओं में ही पॉसिबल थी। सर क्या तकलीफ क्या आ रही है हमको यहाँ, और कुछ फ्यूचर में आपको बताया है कि? फ्यूचर में तो अभी तक तो जो हम लोग कोशिश कर रहा है, मैं सरकार भी कोशिश कर रहे होंगे, तो कुछ नहीं कर सकता कि ये आज से इंडिफिनेटली ये क्या हो रहा है, डिफिनेट नहीं कर सकता है। डिफिनेटली आई कैन नॉट से एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, इन दैट केस वी डोंट नो एनीथिंग, वी आर डम। Didi, can I ask you something? I know it would be a little uncomfortable also, but I just want to know, like, you know, when this thing started. Okay, when just ask me. Yeah, like what happened in your village? What were things like before, and what made you like from there to come here? This is very emotional to say that our my home was already burned down, and in. month of May. Yeah. And also all our properties are all looted, and they burned down our houses. Our home was all vandalized, totally destroyed. So bhai, how did like things start getting bad? How did it start basically? It started even before May of 3rd. Okay. Because on that 27 of April, okay, the Chief Minister of Manipur is planning to come to Chorchampur for inaugurating a gym, public gym. Okay. But on the 27th of April in the night, they destroy some shops, okay, from the Meitei community. Because they don't see him as the Chief Minister of the people, they see him as the Meitei Chief Minister. So okay. They start blaming the Meitei community in Chorchampur. Okay. So on the 3rd of May, just a normal day, and the ITLF said that they are going to have a mass rally against the Meitei ST demand. Okay. So we thought it would be normal. I have many friends from the Kuki community because I grew up with them. I was born there, my parents are born there. Yeah. So I talked to some of my friends about that rally, and I asked them that is there anything going to happen, and they told me that no, it's just a peaceful rally that the people have agreed to go. So on the 3rd of May, we don't open our shop, but when we asked some of the people, and they told us that it may, I think you will be able to open it around 4 p.m. At around 2:30 p.m. on that day, on 3rd of May, some conflict has been going on between the people in the Torbung Bangla area, between the Kuki community and the Meitei community. They start throwing stones and they start burning house at around that place, 10 kilometers from our house. So we start getting ready to stay together in one place, in the middle of our locality. We try to say, we call the police and we ask them that if there is a conflict between the Meitei and the Kuki in the Torbung Bangla area, what will happen to us? We ask them, but they say nothing is going to happen. The Meitei is only around 14,000. Okay. But Kukis are around 2.5 lakhs and around it in Chorchampur. There are many, many Kukis in Chorchampur. Okay. So we get scared, and it doesn't happen till around midnight, I think, from 10:30. I don't know the exact time also. Okay. So people start coming and they start throwing stones and they start shooting guns. We heard gunshots. And then one of my brother-in-law, my sister's husband, a younger brother, he got shot in the chest at that night. So we called the army, the Assam Rifle, so we called them. The BSF also we called them, but they don't came. One of the police came that night. They came in their gypsy, and then he just look at us when they start shooting guns, and he just go away with the, you know, one of the Kuki police in Chorchampur. So we
we call the BSF, also we call the Samurai Fall also, but they don't came till dawn. At around 4:30 they came, they pick us up. We went on foot till the main road, and then we get up in the army vehicles and we went to mini secretariat. We stayed there for around 1.5 weeks, I think. Okay. Around 8-9 days we stayed there. In those 1.5 weeks, your homes were in. It was that time that your homes were vandalized and burnt. We saw it from the DC complex when our houses has been burned. And there has been explosion, many explosion because of the cylinder, gas cylinder in our house. Okay. And we see the smoke and all. And we stayed there for around, I think 8-9 days, and we came here on 11th of May. So we saw some videos in Facebook, not exactly my house, but my locality. Yeah. And no more houses there. Yeah. Which was your locality in Chochanpur? Khugatampa. Khugatampa. Yeah. Old Bazaar, Khugatampa Old Bazaar we call it. I mean, it is for me, it is very difficult to digest that so much has happened, and yes. I'm getting it to know about now, all this when now, I'm here. When I think deeply, yeah. Yes, I realize that my home is no more, but slightly I don't believe till now that my house is already vandalized, so I cannot believe. It's very emotional to say that. Yeah, I can totally understand. You guys are very strong people. I can't even imagine if it would have happened to me. I mean, I do not know how I would have reacted or digested or even processed this. You know? I learned to be strong because of my small daughter only. Ja! When is her birthday? 7th December. She celebrated her birthday here? She celebrated there. How did you celebrate her birthday? Did you get to cut a cake? No, we didn't cut a cake. Yes, I went to celebrate her birthday as to worship, to go in the temple and worship on that day. But she was severely ill. Yeah. On that day, that's why we cannot go to worship. Is. Yengila, what's it like? She thinks that this is our home. Relief camp, it is our home. Because she grew up here now, that's why. But the thing is, she doesn't know the real home. Yeah. Bhav hi nahi mil raha bhai mere ko to. Because she will not know that this had happened to my home. That's why I wrote a diary for her. When she grew up, she will read it. What are they announcing? Order came us 10 chai and 10 samosa. Guys, you have a bank account? Yeah, I have a bank account. Okay, thankfully with God's grace we have a lot of subscribers also. So people would definitely want to help you out. Can I share the GPA account also? Definitely, that will be very helpful. Okay. You know, you have a UPI that's more easy for people. 9612. Okay. 717. Okay. 325. If you can in any way support them financially, I would be very honored. I would appreciate that a lot. The number is here on your screen as well as in the description box. Guys, where do you sleep? This is our room. That's our room. In that one room, 7 people are gathering. In one room, 7 people stay. Yeah. 17. 17? Yeah. 7. Okay, that is why you have this kitchen here. Yeah, in outside. Where you can prepare samosa and tea. Our room is very tight. We don't even have space to work. Chalo, ek bar dekhte hain ki bhai ek kamre mein 17 log rehte kaise hain. One room, 17 people. Okay, there are beds everywhere. You have separated like this, yes. This room with this piece of cloth. Piece of cloth. Okay, so this is your area. This is my. This is your my area. My wife and my daughter. And then there other people would be living? Other people living with us. Okay, so how many families are living in this room?
Four families living in this room. It is more than 10 months where we are staying here with the inmates. We are friends. Okay, like a family. Mm-hmm. Cannot say anything about the other relief camp. Mm. We can tell you about our relief camp. We are opening this relief camp on 4th June. Okay. 4th June. And on 4th June itself, we expanded more than, there are about 4 lakhs. So we have to buy lots of pillow, mosquito net, mats, all utensils. ये जो है खाना खाना बना देने के लिए एक लड़का ने ये पानी और हम इधर जो ये कागज़ वगैरह ये सब जो है ये इसका जो है ये हाँ और मैनेजमेंट में ये 1000 आदमी का मैनेजमेंट कर बहुत दिक्कत पड़ता है. तकलीफ ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाथ में है ये सब फिर इसका ख़त्म करने में. तो हम लोग ये जो है निर्दोष लोग हैं, ये लोग IDPs लोग, वो लोग क्या करेंगे. और हम लोग जो बोले थे हम लोग हैं आवर वी आर ट्राइंग आवर मैक्सिमम हेल्प, वो लोग को हेल्प देने का कोशिश कर रहा हूँ. जस्ट तो हम लोग भी थक गए हैं क्योंकि 10 महीना हो गया वॉलंटरीली हम लोग वो लोग के मदद कर रहे हैं. और हम लोग जो नो सैलरी है नो ये आप क्या करते हैं वैसे? एक्चुअली आई एम ए बिजनेस मैन. ओके. हाँ एंड आप यहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं? हाँ वॉलंटियर शुरू शुरू में या वॉलंटियर मोर देन 70 वॉलंटियर्स था. सर सरकार इतना तो कर ही सकती है कि यहाँ पर कुछ लोग लगा सकती है कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे भी कि जो यहाँ पर मैनेज कर पाए, रिलीफ कैंप्स चला पाए. वॉलंटियर्स कब तक काम ये करेंगे? ये क्वेश्चनेबल है. एक दिन था ये जो है इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे यहाँ, सिर्फ उसी दिन चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे. 10 महीना हो गया यहाँ. लोकल जो है यहाँ का रिलीफ का पीपल आर ऑल एंग्री टू चीफ मिनिस्टर. आज तक मेनलैंड स्टेट का, मेनलैंड इंडिया का कोई भी अभी तक प्रधानमंत्री कोई भी अभी तक विजिट करने नहीं आ रहा है. इसीलिए हम लोग का कोई संशोधन नहीं है अभी तक. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 10 मंथ्स ना. सो आई डोंट नो इट मे बी 2 इयर्स मे बी 3 इयर्स बट व्हेन एवर दिस अमित शाह एंड मोदी जी इफ दे वन दे कैन स्टॉप दिस से वॉर. दिस इज नॉट वॉर but just like a warner can stop within 1 week. Yes. So people are going to support BJP, otherwise we are burning in Manipur only for Modi. Are kya kar wo kya nahi kar sakta hai, wo kuch bhi kar sakta hai, bahut bada aadmi Modi. Kyun nahi kar raha, aapko kya lagta hai? Pata nahi kyun nahi kar raha hai. It is very strange. इन लोगों का गुस्सा जायज है. मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मणिपुर की जगह कोई और राज्य होता तो शायद सरकार, मीडिया और जनता थोड़ा और ध्यान देती. हमने नोटिस किया कि हर व्यक्ति यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि वॉर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और समझ नहीं आया कि वॉयलेंस को वॉर क्यों बोला जा रहा है. ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि सुरेश को रातों रात अपनी 4 महीने की बेटी को लेकर जान बचाकर भागना पड़ा? जरूरी है. और ये जानने के लिए चौचानपुर जाना जरूरी था. पर जब हमने लोगों से चौचानपुर का रास्ता पूछा तो अजीब अजीब से सवाल पूछने लगे. कौन हो, क्यों जाना चाहते हो, क्या फायदा है चौचानपुर जाने का? और जब इन ट्रैफिक पुलिस से पूछा तो इन्होंने तो मुंह पर ही हंस दिया जैसे हम कोई सरफिरे हैं. सब कुछ बंद है. और थोड़ी देर में समझ आ गया कि ऐसा क्यों. ना कोई कैब, ना कोई ऑटो, ना कोई बस. चौचानपुर जाने को उस रात कोई तैयार नहीं हुआ. और यही आपको बताते हैं कि कितनी सीरियस कंडीशन है कि मणिपुर की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और उन दोनों के बीच में आवाजाही बंद है. अब यही आप सोच के देखो कि पटना और सिवान में अगर आना जाना बंद हो जाए तो क्या आप बिहार को उसकी हालातों पे छोड़ दोगे? आप बिहार में वो नॉर्मल दशा कहोगे? कभी नहीं कहोगे. आप पूरी कोशिश लगाओगे कि भाई बिहार में चीजें नॉर्मल हो और कम से कम लोग इस शहर से उस शहर जा पाए. मणिपुर में वो हो नहीं रहा है और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 60 किलोमीटर के अंदर बस 60 किलोमीटर. कांग्रेस ने हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को महत्व देने का काम किया है. मैं मणिपुर के पहाड़ और घाटी दोनों को कहना चाहता हूं,
आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी मणिपुर को एक रखते हुए सबसे बातचीत करते हुए शांति स्थापित करने की है। क्या बोले भाई, आजकल ना अल्ट्रा नेशनलिज्म का जमाना है। आप अपने देश को किसी भी एंगल से अगर क्रिटिसाइज कर देते हो ना तो एंटी नेशनल बोल दिए जाते हो। बहुत गर्व का टाइम चल रहा है ना, ये गर्व है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, राम मंदिर बन गया, हिंदू एकता। लेकिन जब आप ये आर्ग्यूमेंट दो ना आज के बाद खुद को, तो याद रखना कि आप ही के देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऐसे देशवासी हैं जो पिछले एक साल से ऐसी हालतों में रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। एक छोटा सा स्टेट मणिपुर, जिसमें अगर पॉलिटिकल विल होती, अगर सोशल अवेयरनेस होती, अगर मीडिया ने अपना काम ढंग से किया होता और आपको इनकी हालत के बारे में बताया जाता, आप शायद कुछ एक सपोर्ट होता यहाँ तक लेके आते, मणिपुर पर देश का फोकस होता और इन लोगों को इन हालत में नहीं रहना पड़ रहा होता। कई सारे लोग हैं जो इस टाइम पे कह रहे हैं कि बस हमने क्या गलती की कि हमको ऐसे मरने के लिए बस छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इनका सब कुछ उजड़ चुका है ना, और सबसे बेसिक चीज़ है कि हम लोगों ने इनको बस उम्मीद भी नहीं दी, एक उम्मीद भी नहीं दी कि आपको आपके घर वापस आप शायद किसी दिन लौट पाओगे। बस मझधार में छोड़ दिया गया है। और यही वो देश है जो अपने आप को अब सुपर पावर और पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कह के अब वोट डालने के लिए इस लोकसभा चुनाव में जाएगा। सरकार से उम्मीदें छोड़ दी हैं इन लोगों ने, मीडिया से उम्मीदें लगाई भी नहीं है इन लोगों ने, और सह देशवासियों से सिर्फ नाराजगी है। और वही नाराजगी है जो इस एक वीडियो में कंपाइल करके आप तक मैं लेके आया हूँ। ये है एक मैतई कम्युनिटी का एक कैंप। कल एक कुकी के कैंप में भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि जब हाँ इंडियन लोग ही आपस में लड़ते हैं क्या हालत रह जाती है। जेन्युइनली बताऊँ तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे लगता है, बस हाँ इनकी हालत है आप तक लेके आए। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको फ़र्क पड़ा हो तो इस वीडियो को और दूसरों तक पहुँचाना, यही है जो है। इसके आगे कुछ कहूँगा नहीं यार, मेरा कुछ खुद मन नहीं है, मुझे क्या लग रहा है कि क्या बोल दूँ मैं, बताओ इस पॉइंट पर। बस ये है कि हाँ जो अभी तक मैं बोलता रहा था ना कि हाँ मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने, सच है, उसमें कोई झूठ की बात नहीं है। तो भाई कम से कम 10 ऑटो वालों से बात करी, 6-7 कैब वालों से बात करी, और तब जाके कहीं एक कोई बंदा है जो चौजानपुर जाने के लिए। बीच में एक चेक पोस्ट आया, फिर दो आए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आधे घंटे से सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ले रहे हैं यहाँ पर, इतनी ज्यादा यहाँ पे हालत खराब है।